ठीक है, मुझे इजाजत दीजिए। बेटा रुक जाना। मैं रुकना चाहता हूं अम्मी, पर आप नहीं चाह रही कि मैं रुकूं। बेटा मैं तुझे चाहती हूं। जानता हूं मैं कि आप मुझे चाहती हैं, लेकिन आपकी मोहब्बत का दायरा क्या इतना बड़ा नहीं हो सकता कि जिसे मेरी जरूरत है वो भी इसमें शामिल हो जाए? नहीं, सलमान कहाँ चला गया? वो अपने कमरे में गए। अबू आ रहे हैं। अरे हाँ बेटा, तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी खाला और तुम्हारी खालाजात ने तुम्हारे कमरे पर कब्जा करने की कोशिश की थी। मैंने उन्हें टहला दिया। अच्छा, वो समझ रही थी कि तेरे जाने के बाद वो तेरे कमरे पर राज करेगी। उसे क्या पता कि तू वापस आ जाएगा। मैंने भी तेरे कमरे पर ताला लगा दिया। हाँ बेटा, जब तुम्हारी याद आती थी ना तो तुम्हारे कमरे में जाकर बैठ जाता था। तुम्हारे जाने के बाद इस घर की रौनकें और खुशियां खत्म हो गई हैं। क्यों अबू? सलमान भाई तो थे ना इस घर में। हाँ बेटा, वो तो था, मगर हर इंसान की एक अलग अहमियत होती है। बहरहाल तुम्हारी माँ ने जो कुछ भी किया अच्छा नहीं किया। छोड़े अबू, आप बस अपना ख्याल रखिए, इन बातों को मत सोचे। जो गुजर गया वो गुजर गया। बेटा सलमान से कहो गाड़ी से सामान ले आए और सारों को भी लेता आए। तुमने अपनी मां से कह दिया कि सारा भी आ रही है? नहीं अब्बू, ये आपसे किसने कहा कि सारा भी आ रही है? क्या मतलब सारा नहीं आएगी? तो कहां रहेगी? अकेली तो नहीं रह सकती बेटा। नहीं अब्बू, सारा नहीं आ रहे, बल्कि बल्कि मैं भी जा रहा हूं। नहीं बेटा नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तू मेरे साथ रहेगा बेटा, मेरे साथ रहेगा, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। नहीं अब्बू, अब्बू अभी मुझे जाने दीजिए, मैं वापस आऊंगा। वक्त का तकाजा यही है, मैं अगली बार सारा को साथ लेके आऊंगा। नहीं बेटा नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि तू कहीं जाएगा। तू नहीं जाएगा बेटा, कहीं नहीं जाएगा। अब मुझे जाना होगा, सारा के लिए जाना होगा। आप तो जानते हैं ना कि वो अकेले में कितना डरती है। हाँ बेटा, यहीं बैठ जा, सलमान उसे जाकर ले आएगा। मैं अभी नहीं बैठ सकता, मुझे जाना ही होगा। नहीं जाने, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा।
तहमीना, तहमीना। जी राणा साहब, क्या हुआ? तहमीना, देखो ये जा रहा है, रुक नहीं रहा। जी मुझे पता है। क्या मतलब? तुम्हें पता है? जी मुझे पता है कि ये रुकने नहीं हमसे मिलने आया था, बल्कि ये देखने आया था कि इसके बगैर हम मर गए हैं या जिंदा हैं। हमी प्लीज, ऐसी बातें तो मत कीजिए। तो और कैसी बातें करूं? अपना घर छोड़कर तू किराए के घर में पड़ा हुआ है? पागल है तू, पागल। पागल नहीं हूं मैं, मैंने जो किया बहुत सोच समझ के किया है। देखा आपने, देखा, ये अभी भी अपने किए पर शर्मिंदा नहीं है। अबू मैं चलता हूं, फिर आऊंगा। बच्चा बेटा, बच्चा। कहा ना अबू, मैं फिर आऊंगा। जाने नहीं है क्या ये जिंदगी, सोचो कभी तो सपना, देखें कहीं तो हर पल है खुशी और कहीं है रोना। रेत के घर को ढेर है बनना, पाना कभी है खोना। क्या कर रही हो तुम ये? हाँ, क्या कर रही हो तुम? मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का रही हो, कान भर रही हो उसके, ताकि वो अपने बाप के साथ मिलकर मुझे घर से निकाल दे, बेघर कर दे मुझे। पीना, प्लीज कुछ खा ले, मुझे भूख नहीं है। आप सुबह से अपने कमरे से भी नहीं निकली और कुछ भी नहीं खाया है आपने। जो कुछ भी मेरे साथ हो चुका है उसके बाद ना ही मुझे भूख लगती है और ना ही मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं किसी का सामना करूं, खास तौर पे हसन का। आप हसन की फिक्र मत करें, मैं उन्हें समझा लूंगी। ऐसा नहीं चाहती थी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहती थी। लेकिन वक्त और हालात ने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मेरे पास इसके अलावा कोई चॉइस ही नहीं थी।
मैं समझ सकती हूँ। प्लीज अब थोड़ा सा तो खा ले। ये आपकी अपनी चाल है जो उल्टी आप पे पड़ गई है। आपने यही सोचा था ना कि वीना को पूरे जमाने में बदनाम करके आप उसे यहां से भगाएंगी। आपका अपना किया धरा है जो आपके सामने आ रहा है, तो ये क्या रोना धोना मचा रही हैं आप? आप बिल्कुल परेशान मत हो, अगर वो यहां तक आ गया तो घर भी लौट आएगा इंशाल्लाह। सुल्तान बेटा, उसका चेहरा देखकर मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो वापस आएगा। तुम्हारी मां ने उसका दिल बहुत सख्त कर दिया है। मैं समझता हूं शायद अब उसे हम लोगों की जरूरत नहीं। नहीं अबू, ऐसी बात नहीं है। वो लोग भी उतना ही तड़प रहे हैं आपके पास वापस आने के लिए जितना आप तड़प रहे हैं। बस मजबूर हैं अम्मी की सख्ती की वजह से। फिर इसका हल क्या है बेटा? हल तो इसका अबू एक ही है कि अम्मी उसको वापस बुलाएं तो वो जरूर आएगा। लेकिन बेटा, तुम्हारी माँ को इस बात पर आमादा कौन करेगा? अबू मैं मनाऊंगा अम्मी को, आप प्लीज परेशान मत हो। सलमान बेटा, अगर तुम ये काम कर दो ना तो मुझ पर बड़ा। नहीं अबू, इससे आगे एक लफ्ज मत कहिएगा। अगर वो आपका बेटा है तो मेरा भाई भी तो है, ये मेरा फर्ज बनता है। जीते रहो बेटा, जीते रहो। मुझे नहीं पता कि मुझे इस वक्त क्या बोलना चाहिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे कोई भी अल्फाज आपके अंदर चलती हुई जंग को नहीं रोक सकते, ना ही कोई लहजा आपको सुकून देगा। मैं तो बस
इस घर के लोगों के लिए सुकून और सलामती की दुआ मांगती हूँ। मुझे भी यही लगता है, हमारे घर को बस अब दुआओं की ही जरूरत है।